गाइस रोज मुझे बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि कुछ पूछो मत। 9 दिन तक मैं इतना पूजा पाठ में खुश थी। 9 दिन की माता रानी, 9 दिन का माता रानी का व्रत थी गाइस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आज से नहीं, वो बचपन से ही मैं ज्यादा भक्ति करती हूँ और सबको बहुत दिल से मानती हूँ, देवी माँ को और सब देवताओं को मानती हूँ, सबकी पूजा करती हूँ। लेकिन गाइस आज माता रानी हमारे घर से चली जाएंगी, उनका विसर्जन हो जाएगा। तो गाइस बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं नहाने के बाद पहले माँ का ही पूजा करती थी और इसके बाद आरती, फिर जो होता था जो काम रहता था करती। लेकिन मेरे घर से चले जाएंगे, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है गाइस। गाइस मैं कैसे बाहर जाऊं? आज मैं माँ का पूजा भी नहीं कर सकती गाइस, बहुत मानती हूँ गाइस। मैं माँ के ऊपर बहुत भरोसा, बहुत विश्वास रखती हूँ। आप लोग माँ का दिल से पूजा करेंगे और दिल से भक्ति करेंगे ना, आप सबकी हर मनोकामना पूरी होगी और आप लोग जो चाहेंगे वो मिलेगा आप सबको। लेकिन जो चीज करो तो दिल से करो, पूजा पाठ करो तो मन से करो, ये नहीं कि दिखाने के लिए पूजा पाठ करें। गाइस मैं व्रत पहले बहुत रखती थी और बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन मेरी शादी जब से हुई उसके बाद मैं 5-6 साल से, मतलब बहुत सारा व्रत ऐसा है कि जो मैंने तोड़ चुकी हूँ, और बहुत ऐसा व्रत है रखती हूँ और, लेकिन मुझे कोई भी तकलीफ होता है, कोई भी संकट पड़ता है, मैं सिर्फ सीधा माँ के ही सामने आती हूँ, उन्हीं से अपना सब दुख बताती हूँ गाइस। उन्हीं से सब दुख बताती हूँ, मेरा सब दुख खत्म हो जाता है। लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ है गाइस, माता रानी हमारे घर से चले जाएंगे, सब लोग बाहर हैं, सब लोग बाहर बैठे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं बाहर जाऊं। अगर माता रानी की तरफ देख रही हूँ ना, मुझे बहुत रोना आ रहा है। मुझे बहुत रोना आ रहा है गाइस। लेकिन माता रानी को यही कहूंगी, माता रानी हाथ जोड़ के, मैं आपको हमेशा के लिए नहीं भेज रही हूँ, इस साल भेज रही हूँ, अगले साल फिर मैं आपको बुलाऊंगी, घर बैठा बुलाऊंगी। होंगी और अब गाइस सच में, अगर आप लोग ना दिल से भक्ति करोगे ना, बहुत लोग हैं मानते नहीं है, माँ जी को गाली देते हैं, अरे ये सब ढकोसला है, ये है। अरे ढकोसला थोड़ो ना है, अगर आपके अंदर भक्ति है तो भक्ति करके देखो, माँ के सामने जाओ, अपनी झोली फैलाओ। अब ऐसा थोड़ो ना है कि सामने से तुम गए, अगर बत्ती जला लिए, हाथ जोड़ लिए और मन से तुम पूजा ही नहीं किए हो तो क्या पाओगे? फिर भी माँ ऐसी नहीं है, जो भी भक्त उनका पूजा पाठ करता है तो एक ही नजरिए से देखती है। रही गाइस, बहुत लोग कहते मैं ये मांगी नहीं पाई, वो मांगी नहीं पाई, तो सब चीज ऐसा नहीं है कि जो मांगो को पाई जाओगे। अरे थोड़ा अब तुम तुरंत मांगे, तुरंत थोड़ा मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा, क्योंकि गाइस मैंने भक्ति की हूँ। और आप सबको क्या बताऊँ, मैं जब छोटी थी 8 में पढ़ रही थी,
मेरे पापा ने मंदिर बनवाए थे शीतला माँ का और शंकर भगवान का। तो उस मंदिर में मेरे भैया भाभी थे, वो लोग बाहर रहते थे दिल्ली में। तो मेरी मम्मी और मैं रहती थी घर पे, तो मैं बराबर मतलब उस मंदिर में मैं बराबर पूजा करती थी, सुबह शाम बराबर पूजा करती थी। उसके बाद गाइस मेरी मतलब सब लोग कहने लगे, जब शादी नहीं हुआ था तो सब लोग कहने लगे कि अभी कुंवार लड़की से पूजा करवा रहे हो और बाद में दिक्कत भी हो सकता है, कुंवारी लड़की के ऊपर देवी माँ बहुत जल्दी आती हैं, ये सब चीज कह के सब लोग बहुत भड़काते थे, मतलब मेरे परिवार वालों को, मेरी मम्मी उम्मी को। लेकिन मेरी मम्मी यही बोली कि जब उसका मन है तो कर रही है। क्योंकि गाइस मैं यहाँ हूँ, ससुराल में हूँ, ससुराल के लोग तो उतना नहीं पूजा पाठ करते हैं, इतना भक्ति नहीं करते हैं। और मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, मेरे घर जब से मतलब जब से मैं जानकार हुई, अपनी मायके की बात बता रही हूँ, वहाँ पे मेरे पापा थे, पापा अब नहीं है, और मम्मी हैं, भैया हैं, ये लोग भाभी भी हैं, सब लोग मतलब इतना मन से पूजा पाठ करती हैं, मतलब वो लोग बहुत मानती हैं, देवी देवता को बहुत मानती हैं और दिल से मन से पूजा करती हैं। गाइस मेरे घर 9 दिन का व्रत, मेरी मम्मी मतलब मैं छोटी थी तब से रहती थी, जब पापा का हमारा डेथ हुआ तब से मम्मी छोड़ दी व्रत, नहीं रहती हैं। फिर मम्मी छोड़ी, फिर भैया भाभी उठा लिए हैं व्रत, 9 दिन के व्रत रहते हैं। और मतलब गाइस दोनों नवरात्र, और जो एक कुवार का नवरात्र और जो चैत का नवरात्र रहता है, दोनों नवरात्र हमारे घर वाले, मैं भी भी करते हैं। पली बड़ी हूँ और उन्हीं लोग का संस्कार मेरे अंदर भी है। जो भी काम करती हूँ मन से करती हूँ, दिल से करती हूँ, बहुत मानती हूँ गाइस, माता रानी को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। और बस एक ही चीज मानती हूँ, माता रानी कभी भी मैं मुसीबत में रहूँ मेरा साथ देना, और जो भी मेरे मन में रहे वो मेरा काम जरूर पूरा कर, भरोसा है कि जो मैं मांगूंगी पाऊंगी। क्योंकि आज से नहीं, दिखाने के लिए मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं आज से नहीं, बहुत आप सबको बताई ना, बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत तेज थी। गाइस मेरे यहाँ बजरंग बली का मंदिर, मतलब मेरे घर नहीं, मेरे घर से 6-7 किलोमीटर दूरी पे था महावीर हजोसी, आप लोग जानते होंगे, वहां पे दर्शन करने जाती करना। थी। और वो मतलब मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते थे, फिर भी आरी बगल वाले बोलते थे कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो, मुझे भी लोग डरवा रहे थे, तुम इतना पूजा पाठ करती हो, कभी परेशान हो कि शादी नहीं हुई, अगर शादी होगी ना तो देवी देवता ऊपर आने लगते हैं, शादी नहीं होता है, मतलब लोग तमाम बात बोल रहे थे गाइस। लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी, क्यों नहीं सुनी, मेरा मन तो सिर्फ माँ के ऊपर था, भगवान के ऊपर था। लेकिन मेरी मम्मी पापा मुझे पूजा करने के लिए कभी नहीं मना किए, बल्कि मम्मी बोली ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो पापा बोले कि, क्योंकि गाइस मेरे पापा जो थे ना वो भी बहुत पूजा पाठ में बहुत माहिर थे, और पूजा पाठ के साथ साथ भी गाइस सब रामायण पढ़ते हैं। मेरे पापा रामायण जहाँ बैठ जाते थे मुझबानी रामायण बाज के धर देते थे, मतलब उतना उनके अंदर टैलेंट था कि भगवान का कृपा था कि वो खुद अपने मुंह से जहाँ बैठ जाते थे वहां 10 लोग बैठ जाते थे, इतना मतलब रामायण उमायण कहना होता था, कुछ भी कहना होता था तो फॉरवर्ड मुझबानी किताब खोलने की जरूरत नहीं थी, और जिसको भी कोई चीज बताते थे एक अच्छी सीख देते थे हमेशा। और मेरे पापा के न रहने पे गाइस मेरे पापा वहाँ किराका सुस मंदिर स्कूल में पढ़ाते थे, और वहां से इतने लोग आए थे गाइस, उस समय मैं अपने घर थी, और मेरे पापा के बारे में इतनी बड़ाई बोल रहे थे कि ऐसे इंसान अभी हम लोग, मैं भी हूँ, जो माँ बाप के अंदर संस्कार रहता है वो बेटी बेटा के ऊपर जरूर पड़ता है। इसीलिए गाइस मैं गलती करती हूँ तो सुनती हूँ, अगर गलती नहीं करती हूँ, अगर मुझे कोई अनाप शनाप बोलता है ना, मैं भी सुना देती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो गाइस अभी मैं आप सबसे बात कर रही थी, अभी थोड़ी देर में जा रही हूँ बाहर, फिर गाइस हिम्मत नहीं हो रहा है मैं माता रानी के सामने जाऊं, फिर भी जाऊंगी गाइस, उनकी विदाई करनी थी।
तो गाइस आप सबसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।